हे गाइस, तो मैं आपको इस वीडियो में ये दिखा रहा हूँ कि कैसे हम अपने मोटर कंट्रोल को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये एमसीबी करेंटली हमारे मोटर कंट्रोलर में है, राइट। ये एमसीबी है 16 एम्पियर का, 16 एम्पियर का मोटर कंट्रोलर में एमसीबी लगा हुआ है रे अभी, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस एमसीबी को चेंज करके इस एमसीबी में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि C6। ये C16 है, हमको C6 लगाना है। C16 मतलब कि ये 16 एम्पियर तक करंट को पास करने देगा, उसके बाद करंट को रोकेगा, उसके बाद ये कट ऑफ कर देगा। मतलब इसका जो ये है स्विच, ये क्या होगा, गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, 16 एम्पियर से ज़्यादा की कंजम्पशन होने लगेगी, तो उस केस में कट ऑफ कर देगा, राइट। तो ठीक है, हमारा पर्पस क्लियर है। तो अब हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोटर जो है जनरली एक एच पी का मोटर है, राइट। सबमर्सिबल मोटर वो ड्रॉ करता है 4 से 5 एम्पियर। तो जनरली क्या होगा, कभी भी मोटर में जब भी कोई फॉल्ट आता है, वो हमेशा होता है ओवर करंट के वजह से जल जाता है, ठीक है। जलता क्यों है, क्योंकि मोटर ओवर हीट हो जाता है, या फिर मोटर के कॉइल्स जो हैं एक्सेस अमाउंट में करंट ड्रॉ करने लगते हैं। और वो क्यों होता है, कभी कभी मोटर में मलबा फंस जाता है, कोई कचरा फंस जाता है, तो उस केस में वो मतलब अपने रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगता है। दैट मीन्स 4 एम्पियर की उसकी जो करंट कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होके हो जाएगी 8-9 एम्पियर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मोटर अगर आपका लगातार बहुत देर चलता रह गया तो मोटर जल जाएगा और खर्चेगा घर फिर। तो हम इस चीज़ को बचा कैसे सकते हैं, बचा ऐसे सकते हैं कि हम अगर इस एमसीबी को चेंज करके इस एमसीबी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये आप रेटिंग यहाँ पे देखो, तो ये क्या करेगा, अप टू 6 एम्पियर करंट को ये आराम से पास करने देगा। मोटर को बोलेगा भाई 6 एम्पियर तक करंट तुझे चाहिए, तू ले जा, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा तुझे चाहिए तो मैं क्या हो जाऊँगा, नाराज़ हो जाऊँगा। नाराज़ हो जाऊँगा मतलब मैं गिर जाऊँगा, मतलब मैं करंट की फ़्लो को रोक दूँगा। तो अगर ये करंट की फ़्लो को रोक देगा तो मोटर पे कोई पावर जाएगा ही नहीं, और मोटर पे कोई पावर जाएगा नहीं तो मोटर हो जाएगा बंद। तो ये प्रोटेक्ट करेगा हमारा मोटर कंट्रोलर के अंदर एक एडिशनल प्रोटेक्शन हो गया, जो इंश्योर करेगा कि मोटर कभी चले ही नहीं अगर 6 एम्पियर से करंट की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए तो। हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शंस को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जो कनेक्शन जहाँ पे हैं उस कनेक्शन को वहीं पे रखेंगे। जैसे इसमें भी देखो 2 कनेक्शंस हैं, एक यहाँ पे लगता है ऊपर, एक लगता है नीचे, सेम टू सेम इसमें भी वही है। जैसे ये है, एक ऊपर यहाँ पे, एक यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस इज़ लाइन, नीचे वाला, और ऊपर वाला लोड। मतलब ये जो मेन पावर सप्लाई आएगी वो नीचे लग जाएगी, ठीक है। जो मेन पावर सप्लाई आ रही होगी हमारे मेन बोर्ड से, ठीक है, और लोड ये मोटर वाला वायर जो है वो ऊपर लग जाएगा लोड में। तो हमें कनेक्शंस बहुत इजी हैं इसके, सिंपल वही उसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे और इसको अपने मोटर कंट्रोलर में लगा देंगे। मैं लगा के दिखा दूंगा। तो ये है एक एचपी का जो मोटर कंट्रोलर है, और इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि 16 एम्प वाला एक एमसीबी लगा हुआ है, जो कि एक ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि ये जो मोटर है जब ये रन करता है तो जनरली 4 से 5 एम्पियर करंट लेता है। देखो मैं जैसे चलाता हूँ इसको, तो हम देख सकते हैं उसकी करंट रेटिंग कहाँ है, 4 एम्पियर। तो जब भी क्या होता है, जब भी मोटर में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो 9 एम्पियर 10 एम्पियर लेने लगता है। तो ये जो एमसीबी है उसके इसमें ये कुछ करता नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसकी रेटिंग 16 एम्पियर्स है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको चेंज करके यहाँ पे 6 एम्पियर का एमसीबी लगा देंगे, ताकि लाइक इन केस मोटर में कुछ फॉल्ट आता है तो वो उसको सीवियर डैमेज से बचा ले। तो आई हैव दिस एमसीबी जो कि ये हैवल्स का है, C6, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया, ये 160 रुपये का मिला। तो हम लोग क्या करने वाले, इस एमसीबी को इस एमसीबी के जगह लगाने वाले हैं, मतलब रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा।
तो इससे हमारा जो मोटर कंट्रोलर है ये और हमारा जो मोटर है वो ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका पावर ऑफ करेंगे, मतलब मेन पावर सप्लाई जो है उसको बंद करेंगे। अब एमसीबी खोलकर उसको चेंज कर देंगे। और आ रहा है, ठीक है, इसको ऑफ करें, ऑफ हो गया। तो हम इसको आराम से हम देख सकते हैं कि हमारा मोटर चल रहा है और हमने एमसीबी भी बदल दिया। तो ये था पुराना एमसीबी, इसमें देख सकते हो आप C16 लिखा हुआ है, मींस ये 16 एम्पियर का था एंड दैट वाज लाइक टू मच। तो हमने इसको करेक्ट कर लिया है एंड और अब ये ज़्यादा सेफ हो गया है।